हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का फोर चैप्टर एमीन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोग एमीन का थ्योरी, इंटेक्स और एग्जांपल कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासीफाई देम इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसके पीछे क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है। वैसे अगर एमीन का आपको आईयूपीएसी नेम में पूरा डिटेल कंसेप्ट समझना है तो एमीन का पार्ट वन वीडियो नोमेनक्लेचर बेस्ड है, तो आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। सबसे पहले बात, एमीन है क्या? एमीन एक अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया क्या मतलब NH3, ये अमोनिया हुआ, ये मेरा क्या है अमोनिया। अब यहां पे हाइड्रोजन को आप कार्बन से रिप्लेस कर दीजिए, आपका एमीन बनता चला जाएगा। जिसे ध्यान दीजिए, ये N मान लीजिए 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन से कनेक्ट होगा तो ये क्या होगा 1 डिग्री एमीन। क्या होगा 1 डिग्री एमीन। उसी टाइप से देखिए नाइट्रोजन, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन देखिए 2 कार्बन से कनेक्ट है, दैट मींस ये सेकेंडरी एमीन या फिर क्या 2 डिग्री एमीन है। उसी टाइप से देखिए नाइट्रोजन, कार्बन, 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 यानी नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तब ये क्या होगा 3 डिग्री एमीन, दैट मींस टर्सरी एमीन। एक तरीका ये है, या तो फिर आप रख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमीन होगा, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री एमीन, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्सरी एमीन, दैट मींस 3 डिग्री एमीन। ये पहचानने का तरीका है। अब आप इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा? तो कोई यहां पे बड़ा लॉजिक नहीं है, जैसे आप आईयूपीएसी नेम करते हैं उसी टाइप से कीजिए। आपको करना क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है और नेमिंग करते चला जाना है। कहीं पे एन नेमिंग यूज करते हैं, कहीं के एन यूज करते हैं, जैसे 2 डिग्री में एन यूज करेंगे और 3 डिग्री में एन। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत इजी वे में चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है ध्यान दीजिए। सी इस कार्बन से देखिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कनेक्ट है, तो यहां पे होगा CH3, यहां पे ये CH3, और क्या यहां पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन दीजिए, और देखिए ये है NH2। तो अभी हम आपको क्या बताएं, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए 1 2 3, ये होगा 1 2 3। अब चलिए इसका हम लोग आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3, तो 3 के लिए क्या यूज कीजिएगा प्रोब। अब देखिए सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए AnE। अब एमीन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 एमीन लिखेंगे। अब यहां पे आप जब भी समझिए, आप सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए AnE, EnE या YnE यूज कीजिएगा, और उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप के साथ वोवेल आ जाए AEIOU या फिर Y आ जाए तो यहां से हम लोग फर्स्ट लेटर के वोवेल को हटा देते हैं, तो ये क्या होगा प्रोपेन टू एमीन। अब यहां पे कंफ्यूजन कहां पे है, आप इसका अगर NCERT में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है चैप्टर के पीछे अगर देखिएगा तो यहां पे आपको ये नेमिंग नहीं मिलेगा। वहां पे क्या किया गया है, नंबरिंग 1 2 यहां से किया गया है, 2-methyl-ethanamine किया गया है, इसे ब्रांच बनाया है। लेकिन NCERT बुक में ही फर्स्ट जब चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे नोमेनक्लेचर किया है और ब्रैकेट में जो लिखा है वहां पे इसी का नेमिंग प्रोपेन टू एमीन किया है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये नेमिंग भी 100% सही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या देखिए, CH3, तो कोई बात नहीं, CH3 CH2 2 मॉलिक्यूल, तो CH2 और यहां पे क्या है NH2, तो ये हुआ। अब चलिए इसका नेमिंग करते हैं। यहां पे आप ध्यान दीजिए नंबरिंग कहां से कीजिएगा, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए 1 2 3, तो फिर से वही बात, 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए AnE और एमीन कितने नंबर पे 1 पे, तो 1 एमीन, तो ये इसका नेमिंग हुआ, यहां पे ई नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्ट है तो ये क्या है 1 डिग्री एमीन है, क्या है 1 डिग्री एमीन। सेकेंड क्वेश्चन में भी देखिए नाइट्रोजन से एक ही कार्बन कनेक्ट है तो ये भी क्या है 1 डिग्री एमीन है। चलिए ये हो गया, आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, CH3NH, ये आपका CH3
NH। अब देखिए इस नाइट्रोजन से ये कार्बन कनेक्ट है, चलिए यहां पे इस हाइड्रोजन को हम इस टाइप से लिख रहे हैं H, और देखिए CH, और इस कार्बन से टू मॉलिक्यूल ऑफ CH3 कनेक्ट है, तो यहां पे CH3 और यहां पे CH3। अब देखिए IUPAC का नेमिंग क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना। अब यहां से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए, चलिए 1, 2, 3। अब देखिए जो मेरा बच जाता है कार्बन वो क्या कहलाता है, ब्रांच कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांच। तो ये मेरा ब्रांच है, थोड़ा समझिएगा। मैक्सिमम केस में अब तक जो आप नेमिंग किए हैं, जो ब्रांच रहता था किससे कनेक्ट होता था, कार्बन के साथ, तो वहां पे हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं कि किससे कनेक्ट है। लेकिन ये ब्रांच देखिए कार्बन से कनेक्ट नहीं है, किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, इसलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं एन मिथाइल। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, एन मिथाइल क्यों लिखे, क्योंकि जो ब्रांच है मेरा किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, इसलिए एन मिथाइल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो 3 के लिए क्या यूज कीजिएगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, एमीन ग्रुप कितने नंबर पे, 2 नंबर पे कार्बन है, तो 2 एमीन। तो ये है इसका नेमिंग, एन मिथाइल प्रोपेन 2 एमीन। फिर से वही बात, आप इसका अगर NCERT का लास्ट में जो सॉल्यूशन दिया वहां देखिएगा, तो इसे ब्रांच बनाया है और वहां पे कर दिया एन मिथाइल और फिर एन मिथाइल और फिर यहां पे 1 पे क्या लिखा है, मिथाइल और इथेनामाइन। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये नेमिंग 100% सही है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, ध्यान दीजिए। और देखिए अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 था वहां पे देखिए 2 कार्बन से कनेक्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो कितने डिग्री का था, 2 डिग्री का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है, ध्यान दीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3, इसके साथ 3 मॉलिक्यूल है CH3 और फिर यहां पे है CH3। अब देखिए यहां पे एक कार्बन कनेक्ट है NH2। अब यहां पे ध्यान दीजिए, फिर से वही बात, नेमिंग आपका कीजिएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए सेलेक्ट करते हैं 1, 2, 3। अब देखिए ये आपका ब्रांच बन गया, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल। अब देखिए जो ब्रांच है कार्बन से कनेक्ट है, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम ब्रांच कार्बन से ही कनेक्ट होता है, तो इसलिए यहां पे सी नहीं लिखते हैं। यही ब्रांच अगर नाइट्रोजन से कनेक्ट होता तो एन लिखते हैं, समझ पा रहे हैं। तो 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड AN। अब एमीन कितने नंबर कनेक्ट है, 2 नंबर पे, तो 2 एमीन। अब देखिए नाइट्रोजन से तो एक ही कार्बन कनेक्ट है, तो ये मेरा क्या होगा, 1 डिग्री एमीन होगा, क्या होगा, 1 डिग्री एमीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, C6H5, यानी ऑब्वियसली क्या हो गया यहां पे, बेंजीन है। आ जाइए बेंजीन लिखते हैं, ये बेंजीन हो गया, इससे नाइट्रोजन कनेक्ट है, इससे एक हाइड्रोजन और यहां पे इससे कनेक्ट है CH3। अब देखिए मेन चेन तो आप बेंजीन लीजिएगा, 6 कार्बन है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रांच हो जाएगा, और ब्रांच किससे कनेक्ट है, नाइट्रोजन से, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, एन मिथाइल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन मिथाइल। और याद कीजिए इस ग्रुप का नाम क्या था, एनिलीन था, तो इसे हम लिख सकते हैं एन मिथाइल एनिलीन, क्या लिख सकते हैं, एन मिथाइल एनिलीन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एन मिथाइल। और इसका एक और नेमिंग हम लोग किए हैं, क्या है, बेंजेनामाइन। तो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनिलीन भी कॉमन नेम है लेकिन IUPAC इसे एक्सेप्ट करता है, तो ये भी आप लिखिएगा, कोई गलत नहीं है। फिर से डिग्री को डिफाइन कीजिए, नाइट्रोजन देखिए एक कार्बन कनेक्ट है, यहां पे भी ये भी तो मेरा कार्बन ही है, तो ये क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन, क्या है, 2 डिग्री एमीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, CH3CH2 का होल 2, दैट मींस नाइट्रोजन से 2 मॉलिक्यूल कनेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, CH3CH2 और ये किससे कनेक्ट है, N से। उसी टाइप से एक N से एक और मॉलिक्यूल कनेक्ट है CH3CH2, तो चलिए उसे यहां लिखते हैं CH3CH2। अब देखिए N से एक और मॉलिक्यूल कनेक्ट है, तो ये मेरा क्या है, CH
थ्री। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, फर्स्ट में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो कोई भी सिलेक्ट कीजिए, वन टू, यहां पे भी वन टू, तो एक काम कीजिए, चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं वन और टू। अब देखिए जो बच गया आपका क्या होगा, ब्रांच होगा, तो ये भी आपका ब्रांच है, ये भी आपका ब्रांच है, तो ये कौन सा ब्रांच है, इथाइल है, और ये कौन सा ब्रांच है, मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आएगा, इथाइल आएगा, लेकिन ये इथाइल किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, एन इथाइल, एन इथाइल, फिर से ये ब्रांच देखिए किससे कनेक्ट है, एन से कनेक्ट है, तो फिर से लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। अब ब्रांच लिख लिया, अब मेन चेन को लिखिए, कितने कार्बन, टू, टू के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब देखिए नाइट्रोजन कितने नंबर पे कनेक्ट है, वन, तो इथेना माइन या फिर इथेन वन एमाइन आप इसे लिख सकते हैं। अब समझिए ये कितने डिग्री कार्बन, ये कितने डिग्री का ये नाइट्रोजन है, एमीन है, इस नाइट्रोजन देखिए वन टू थ्री, थ्री कार्बन से कनेक्ट है, दैट मीन्स ये थ्री डिग्री एमीन है, क्या है, थ्री डिग्री एमीन। तो इसीलिए जब थ्री डिग्री एमीन होता है तो टू टाइम्स एन एन यूज होता है, क्योंकि जो ब्रांच होता है एन से कनेक्ट होता है, और जब टू डिग्री एमीन होता है तो एक ब्रांच नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है, इसलिए एक बार आता है एन, और वन डिग्री में कोई ब्रांच नाइट्रोजन से कनेक्ट नहीं होता है, इसलिए वन डिग्री में एन वर्ड यूज नहीं होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। क्या लिखा हुआ है, मेटाब्रोमो C6H4NH2, दैट मींस बेंजीन का मेटा पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है, तो चलिए बनाते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, यहां पे क्या है NH2, और मेटा पोजीशन देखिए बेंजीन में इसे जो कंटिन्यूअस प्लेस क्या होता है, ऑर्थो, ये मेटा और ये पारा, दैट मींस यहां पे मेरा क्या है, ब्रोमीन है। अब इसे नेमिंग कर दीजिए, चलिए नेमिंग करते हैं, यहां पे क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब देखिए थ्री नंबर पे क्या है, ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे, थ्री ब्रोमो, क्या लिखेंगे, थ्री ब्रोमो। अब इसे आप बेंजेना माइन भी लिख सकते हैं या फिर थ्री ब्रोमो एनिलीन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सही है। तो ये मेरा था एमीन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।